शुक्रवार को हुए जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में दीपक चौहान को निर्वाचित घोषित किया गया। शुक्रवार को देर रात घोषित परिणाम में दीपक चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी मनोज वशिष्ठ को 100 से अधिक मतों से पराजित कर दिया है। दीपक चौहान इससे पूर्व पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अनुशासन कमेटी के सदस्य रहे हैं, तो मनोज वशिष्ठ पहले बार के सचिव रह चुके हैं। वहीं सचिव पद पर नरवीर विकल ने आमने सामने की टक्कर में वीरेंद्र सौरोत को पराजित किया है। चुनाव अधिकारी दिलबाग सिंह चौहान व सह चुनाव अधिकारी कैलाश तंवर के अनुसार शुक्रवार को केवल प्रधान व सचिव पद के लिए ही मतदान किया गया। आपको बताते चले कि उप प्रधान पद पर करतार सिंह, सह सचिव पद पर भूपेंद्र डाबास तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए शोभित बंसल को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया था। वहीं बंसीलाल सौरोत होडल के बार के प्रधान बने हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 14 मतों से पराजित कर दिया है।